हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए करंट अफेयर्स की एक और क्लास के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो घंटी वंटी का बटन दबा देना है। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेयर हैज चेरी ब्लूज्म फेस्टिवल 2021 स्टार्टेड, यानी कि चेरी जो ब्लॉज्म फेस्टिवल है वो कहाँ से शुरू किया गया है, शिमला से, शिलोंग से, लद्दाख से या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा शिलोंग का, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, शिलोंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बी के साथ आपको जाना था, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे आप देख लो, अहमद नासिर अल रहीसी इन UAE हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इनको किस पुलिस संगठन का जो है नया चीफ बनाया गया है। तो यहाँ से आप देख पाओगे इंटरपोल का नया चीफ बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अंडरलाइन करके पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली अब शेख सबा अल खालिद सबा किस कंट्री के जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने, आपको बस बताना है कि वो कंट्री का नाम क्या है, क्यूबा, कुवैत, सोमालिया या ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से आप इनकी इमेज को देख पाओगे और ये जो है कुवैत से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कुवैत से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, आपको बस ये बताना है आयुष जो मिनिस्ट्री है, हाल में ही उन्होंने 3 डे का एक कार्यक्रम रखा था, ऑर्गेनाइजेशन रखा था, उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको बस आयुष मंत्री का नाम बताना है कि कौन है हमारे आयुष मंत्री। तो देखिए यहाँ आप इसे हेल्थ मिनिस्टर से कंफ्यूज मत कर लेना, हेल्थ मिनिस्टर अलग हैं जो कि मनसुख मांडविया हैं, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मंजू पारा महेंद्र भाई, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उससे पहले आप लोगों को एक अच्छी डील ऑफ द डे बता देता हूँ। यहाँ से देख लो, जो नोट्स पहले 499 का था और 100 रुपीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 599 यानी कि 600 रुपये का था। इसे घटा करके आखिरी के 2-5 दिन में अगर आप तैयारी करना चाहते हो मेरे नोट से तो इसकी प्राइस को 150 कर दिया गया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh। यहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। Which state has passed motor vehicle taxation bill 2021 to levy a green tax on vehicle, यानी कि अब green tax लगाया जाएगा वाहनों पे, तो ये किस स्टेट ने किया है, तमिलनाडु ने, आंध्रा ने, तेलंगाना ने या उड़ीसा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख पाओगे, आंध्र प्रदेश ने ये बिल पारित किया है, जहाँ से वो कितना टैक्स जो है कलेक्ट करना चाहेंगे, 409.58 करोड़ रुपीज़ वो कलेक्ट करना चाहते हैं ग्रीन टैक्स के नाम पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड द WISER वाइजर प्रोग्राम फॉर वुमेन रिसर्चर। तो देखिए इटली, फ्रांस, जर्मनी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया और जर्मनी ने क्या किया है, कोलैब किया है, जहाँ पर ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए वाइजर प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द न्यू कैटेगरी फॉर बांग्लादेश एंड नेपाल एज पर UN जनरल असेंबली रिसेंट रेजोल्यूशन, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल को किस तरह के, किस कैटेगरी में बांटा गया है कंट्री के लिस्ट में। तो यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्री या मिडिल इनकम कंट्री के नाम पे इनको रखा गया है। तो वेट ए मिनट, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे, वेट ए मोमेंट, यहाँ से देख लो आप, इन्हें जो है रखा गया है डेवलपिंग कंट्री के नाम पे। यहाँ पे आप देख पाओगे डेवलपिंग कंट्री जो है इन्हें रखा गया है। आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड COVID-19 वेरियंट B1.1529 एज अ ऑफ कंसर्न, यानी कि कंसर्न के लिस्ट में से रखा गया है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल सा जवाब होगा आपका, WHO जो है कंसर्न और वेरिएंट जो है ये घोषित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, WHO राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एट विच प्लेस डिड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म सेफ्टली लैंड द एयरबस
340 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए ये जो है अंटार्कटिका पे किया गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सुरक्षित जगह पे इसे लैंड कराया गया है, तो ये राइट आंसर अंटार्कटिका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रॉम वेयर हैज़ द इंडियन रेलवे फ्लैग्ड ऑफ द रामपथ यात्रा एक्सप्रेस? रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? गोरखपुर से, पुणे से, वाराणसी से या नानबदीस? तो यहाँ से आप देख पाओगे इस स्पेशल ट्रेन का जो ये पिलग्रिम है, रामायण रथ यात्रा, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। ये जो है सीनियर सिटीजन को फ्री में अरेंज करेगी पिलग्रिमेज, और ये स्कीम जो है लोगों को वैष्णो देवी, शिरडी, रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन और अदर सिटीज़ में घुमाएगी। और इसे जो है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में फ्लैग ऑफ किया गया है। रामायण से नाम है और राम मंदिर भी अयोध्या में है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अयोध्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको जाना है नानबदीज के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं है और क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड बिगेन? देखिए इस तरह के जो सेलिब्रेटेड हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में, ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है किया जाता है, वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल है ना उनके द्वारा। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया इज एमिंग 1,00,000 करोड़ एक्सपोर्ट बाय 2024-25? तो देखिए पुरुषोत्तम रूपाला ने ये बात कही है कि हम लोग 1,00,000 करोड़ जो है एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स 5,000 करोड़ AK-23 राइफल डील विथ विच कंट्री? तो रसिया ने ही जो है ऑटोमेटिक ये AK-47 ये सब इस तरह की जो है वेपन तैयार किया था। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये रहा, आपको बस सार्क कंट्री जो है ना, सार्क कंट्री के नाम बताने की, कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं, कब इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका जो ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपको इसका नाम बता देना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।